सरकार हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय हाय ये आंदोलन किसान भाइयों के साथ हम लोगों ने किया है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक है जो केंद्र सरकार अपने बिल को संशोधन न कर दे या अपने बिल को काले कानून को वापस न ले ले। हम लोगों का आंदोलन तब तक हमेशा चलता रहेगा और हमारे सारे पूरे भारत में भारतवर्ष में पूरे किसान भाइयों के साथ सारे पार्टियां मिलकर एकजुट होकर ये आंदोलन चलाती रहेगी। किसान के समर्थन पे निकले अपन क्या जी? बिल्कुल, जो अभी किसानों के लिए जिस तरह से मांगे की पूरी नहीं की जा रही है इस पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है, किसान भाइयों के साथ में खड़ी है और खड़ी रहेगी। अगर हम लोग यही चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों को मान ले, नहीं तो हम लोग पटना से लेकर दिल्ली तक किसानों के साथ मजबूती के साथ क्या मांगे सर क्या? देखिए, भारत बंद का जो ये किसान भाइयों का जो आंदोलन है उनका जो हम लोग समर्थन इसलिए कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं, कई हमारे और भी देश के कई पार्टियां हैं जो सारे लोग हैं जो इस आंदोलन में सम्मिलित हैं और केंद्र सरकार की ये जो नीति है इस नीति के खिलाफ है हम लोग। उन्होंने 3 ऐसे ऐसे मुद्दे किसान भाइयों के प्रति जो डाले हैं जिसके कारण से हमारे किसान भाई मजबूर होकर सड़क पर उतर चुके हैं। पहला, पूंजीपति लोगों को फायदा डायरेक्ट वे में पहुंचाना। दूसरा, बिजली आपूर्ति का जो इन्होंने 2003 के बाद जो 2020 में इन्होंने जो लागू किया है वो उससे भी क्या होता है कि सब्सिडी का जो सिस्टम मिल रहा है हमारे किसान भाइयों को वो छिन जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या कर पाएंगे? ऐसे ही बाढ़ ग्रस्त बहुत तरह की चीज़ें आती हैं फसल में जिसमें गरीब किसान भाई ऐसे ही त्रस्त हैं और ये नए नए नियम जो लागू कर दिया है इन्होंने इसके कारण से और भी ज्यादा। क्या लगता है केंद्र सरकार जो मांग आप लोग रोड पर निकले हैं मान जाएगी? अगर नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा। उनका काम है नियम बनाना, हमारा काम है उस नियम हमारे किसान भाई के खिलाफ है, खिलाफ हमें लड़ना, तब तक लड़ना जब तक वो ना माने। अगर आज बंदी के खिलाफ भी अगर नहीं केंद्र सरकार वापस लेती है कानून तो आगे क्या आप लोग कराएंगे? ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, तब तक हिस्सा लेंगे जब तक हमारे किसान भाइयों को सही न्याय नहीं मिल जाता। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ये जो इन्होंने MSP का जो कहानी किया है ना केंद्र सरकार ने, टेक्निकली स्पेसिफिक मैं बात बताऊं तो इन्होंने जो कहा कि बाहरी अंदर जहाँ भी है वो अपने अनाज को बेच सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने MSP का जो न्यूनतम वैल्यू का जो सिस्टम इन्होंने जो रद्द कर दिया है ये गलत किया है। इन्होंने एक तरफ तो दिया है लोग, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया है, बेस को, आधार को इन्होंने खींच लिया, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि कहानी और बद से बदतर हो जाएगी हमारे किसान भाइयों का। नाम क्या? बुड्डू कुमार, पटना महानगर संगठन सचिव। लोक समता पार्टी के तरफ से हमारे सारे नौजवान साथियों और किसानों को समर्थन में हम लोग रोड पे उतरेंगे और सरकार के विरोध पूरे अपने आवाजों को निकालेंगे, उनकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जो आज भारत में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने गंदी नाच राजनीति कर रही है उससे जो है गरीब किसान मजदूर को बहुत सा क्षति पहुंचा है, बहुत सा तकलीफ है उनको, है उनको जो है बेरोजगारी से, बेरोजगारी का मुद्दा भी नहीं उनका क्लियर हो रहा है, उससे भी बोलो बेचारे वंचित हैं। और किसान को जो अभी जो काला बिल जो पास किया है लोकसभा में उसके खिलाफ में, उसके विरोध में जो पूरा किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं पूरे भारत में, मैं उसी के समर्थन में हम लोग पटना महानगर के तरफ से सारे हमारे कार्यकर्ता नौजवान साथियों आज पूरे पटना में हम लोग हमारे पार्टी के तरफ से सारे लोग अधिकारी लोग सब लोग ये लोग मिलकर सब लोग जुलूस निकालने का काम करेंगे और भारत बंद करने का समर्थन करेंगे। आपका नाम? खुर्शीद अहमद, पटना महानगर अध्यक्ष।
बंद करो।